हेलो स्टूडेंट, तो मैं हूँ शेख तनवीर। स्टूडेंट, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 6 के साइंस का। तो देखिए स्टूडेंट, चैप्टर का टाइटल क्या है हमारे, लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट, इसकी प्रीवियस क्लासेस में हमने लाइट और शैडो के बारे में पढ़ चुका है और इस चैप्टर में भी हम उसको रिवाइज करेंगे और उसके साथ साथ एक न्यू कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, है ना। तो चलिए ठीक है, देखते हैं यू नो में क्या बोला है। देखो, यू नो में सबसे पहले बोला है द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, है ना। हमको पता है सन से जितनी भी लाइट आती है वो एक एनर्जी के सोर्स के फॉर्म में आती है, इसलिए सन को क्या बोला गया है, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। सेकंड क्या बोला है, देखो, वी नीड लाइट टू सी द थिंग। हमको पता है कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट लाइट हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते, है ना। तीसरा पॉइंट क्या बोला है, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या करती है, ट्रैवल करती है। आप इसके एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हो कि अगर कंसिडर करो कि किस तरीके से कुछ दिया हुआ है आपको, एक कैंडल है, कंसिडर करो इस तरीके से कैंडल रखी हुई है ना, और आप एक बारीक ट्यूब से क्या कर रहे हो, इसको यहाँ से कैंडल को देख रहे हो, है ना। अब जब तक आप कैंडल से आने वाली रेज रहेंगी, वो ट्यूब अगर सीधी रहेंगी तो आपको रेज दिखेंगी, लेकिन अगर इसी ट्यूब को आप इस तरीके से बेंड कर दोगे, कैसे, अगर मैं इस ट्यूब को इस तरीके से बेंड कर देता हूँ, है ना, इस ट्यूब को इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, बेंड कर देता हूँ, है ना, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो फिर आपको लाइट दिखेंगी नहीं। क्यों नहीं दिखेंगी, क्योंकि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में कवर करती है, तो लाइट यहाँ पर आगे क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ क्या करती है, कवर करती है। इसका मतलब ये कि अगर लाइट का सोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो इससे जो लाइट निकल रही है वो कैसे आएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। तो लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन पाथ क्या करती है, फॉलो करती है ना, ये हमको पता होना चाहिए। ओके ठीक है, देखो उसके बाद क्या बोला है कि लास्ट इसमें अ प्लेन मिरर प्रोड्यूस क्लियर इमेज। आपके घर में मिरर होगा, आप जब मिरर के सामने खड़े रहते हो तो आपको आपका क्लियर इमेज दिखता है ना। इसका मतलब यह है कि जो प्लेन मिरर होता है वो एक क्लियर इमेज क्या करता है, फॉर्म करता है ना। ठीक है, चलो इसके आगे हम देखते हैं क्या दिया है। देखो, हाँ, सबसे पहला टॉपिक क्या है स्टूडेंट हमारा, लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल। लाइट की वजह से ही जो हमको कोई भी चीज़ क्या होती है वो ऑब्जर्व होती है, विदाउट लाइट हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते। जैसे आप एक रूम में बैठे हो, अगर वो रूम के अंदर लाइट ऑन है तो आपको टेबल फैन सब चीज़ें दिखेंगी, लेकिन अगर रूम का लाइट बंद है तो आपको वो चीज़ें नहीं दिखेंगी। इससे ये प्रूफ होता है कि किसी भी चीज़ को देखने के वास्ते हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो है लाइट, है ना, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है लाइट की। देखो क्या बोला है, आर यू एबल टू सी थिंग इन अ डार्क, नो, व्हाट हेल्प यू टू सी थिंग, हमको देखने के लिए क्या हेल्प करता है, तो वो होती है लाइट। लाइट मेक थिंग विजिबल अनलेस एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन इट, वी आर नॉट एबल टू सी इट, द ऑब्जेक्ट विच आर एबल टू सी कैन बी प्लेस इन टू वन ऑफ द टू कैटेगरी, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ हम जो देखते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा है इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। अब हमको डिफरेंस समझना है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है और इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है ना। तो देखिए यहाँ पे पहला डिस्कशन क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब सिंपल ऐसा होता है स्टूडेंट, जो थिंग खुद ग्लो करती है,
मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद ग्लो करता है, खुद चमकता है, वो होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन है, तो सन खुद ग्लो कर रहा है, लाइट बल्ब है, ट्यूब नली है, तो ये ऐसे डिवाइस है जो खुद ग्लो करते हैं। तो ये कौन से ऑब्जेक्ट रहेंगे? ये रहेंगे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। देखो क्या बोला है, अल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट, द लाइट प्रोड्यूस बाय अल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट इज इट्स ओन, द सन एंड अ लाइटेड कैंडल आर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद ग्लो होता है, जो खुद लाइट देता है, वो होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। उसकी एग्जाम्पल क्या है? सन है, कैंडल है, ये सारे के सारे कौन से ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। आगे क्या बोला है, देखो, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स क्या क्या है? अ सोर्स ऑफ लाइट कैन बी नेचुरल और मैन मेड। अब लाइट जो है हमको वो नेचुरल सोर्स से भी मिलती है और मैन मेड थिंग्स से भी मिलती है। जैसे सन एक नेचुरल सोर्स है, लेकिन जो हमारे घर में ट्यूब लाइट होता है, कैंडल होती है, ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है ना। द सन एंड ऑल अदर स्टार्स आर नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दे आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, लैंटर्न्स एंड टॉर्च आर ऑल्सो सोर्स ऑफ लाइट बट आर मैन मेड, है ना। और बाकी जो दूसरे डिवाइस है जो हमको लाइट देते हैं स्टूडेंट, वो हमको लाइट तो देते हैं लेकिन वो नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड होते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, देखो, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। मैं अभी आपको बताया कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद ग्लो करता है, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो ग्लो तो करता है लेकिन किसी दूसरी चीज की वजह से ग्लो करता है। जैसे आपको पता होगा कि जो मून है ना स्टूडेंट, तो मून जो हमको दिखता है, तो मून स्टूडेंट जो चमकता है, उसका रीजन क्या होता है कि सन की जो लाइट है वो मून के ऊपर पड़ती है और फिर तब कहीं जाके मून क्या होता है, ग्लो होता है, चमकता है। तो मून एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि मून के पास उसकी खुद की लाइट नहीं है, मून के पास जो लाइट है वो तो सन की वजह से आ रही है ना। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो दूसरी लाइट की वजह से ग्लो होता है, चमकता है, हमको दिखता है, वो होता है इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। जैसे आप आपके रूम में बैठे हो, आपको कबर्ड दिख रहा है, फ्रिज दिख रहा है, आपको मिरर दिख रहा है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट खुद अपनी लाइट नहीं दे रहे हैं। जो आपके रूम में लाइट लगी हुई है वो लाइट उनके ऊपर पड़ रही है और वो आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट? वो ऑब्जेक्ट है इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, है ना। क्या बोला, देखो, एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट डज नॉट प्रोड्यूस लाइट, इट अपियर्स ब्राइट बिकॉज लाइट फॉल ऑन इट। ये आपको ब्राइट अपियर होते हैं, दिखते हैं, क्यों? क्योंकि लाइट उनके ऊपर पड़ती है ना। तो ये था स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनियस एंड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पैरा में क्या बोला है, देखो, द अर्थ इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट फ्रॉम द सन, द इल्यूमिनेटेड पार्ट हैज डे एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट डज नॉट रिसीव सन लाइट हैज नाइट। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन देम, दैट इज वाई दे अपियर ब्राइट। दिस पेज टू इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट, यू आर एबल टू रीड दिस पेज बिकॉज द लाइट फॉलिंग ऑन इट, बिकॉज बैक एंड रीचेस यूर आईज, वी कैन नॉट सी एनी थिंग इन एबसेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे क्लियरली बताया स्टूडेंट कि हमारी जो अर्थ है वो भी एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो सन से लाइट आ रही है हमारी अर्थ पे पड़ रही है, तो हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। अगर सन से जो लाइट आ रही है वो लाइट नहीं आएगी तो पूरा डार्क रहेगा और डार्क में हम कोई भी चीज को देख नहीं पाएंगे। अब आपने देखा होगा जो नाइट होती है रात, तो रात में सब अंधेरा अंधेरा होता है, हमको कुछ नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सन नहीं होता। ऐसे ही उसने यहां पे क्लियरली मेंशन किया है कि आप जो बुक का पेज देख रहे हो, ये बुक का पेज भी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि लाइट इसके ऊपर पड़ रही है तो आपको ये पेज दिख रहा है, पेज के अंदर से खुद लाइट नहीं निकल रही है ना। तो आपको इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंस
पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, देखो लुक एट द फोटोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, तो ये आपको खुद करना रहेगा, है ना, ठीक है। उसके बाद का टॉपिक क्या है, देखो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं अभी आपको बताया कि जो लाइट होती है वो एनर्जी का फॉर्म होता है ना। तो देखो क्या बोला है, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, तो क्वेश्चन मार्क क्या है, उसका आंसर दिया है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जनरेटेड बाय एनी सोर्स हैज एनर्जी बट द अमाउंट वेरीज। सनलाइट हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वेयर एज लाइट जनरेटेड बाय कैंडल हैज लेस एनर्जी। लाइट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है। अब कहीं पे ये एनर्जी कम हो सकती है, कहीं पे ये एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन से सोर्स से लाइट आ रही है। सन एक बहुत बड़ा सोर्स है लाइट का, तो उससे एनर्जी भी बहुत आती है। कैंडल एक बहुत छोटा सोर्स है लाइट का, इसलिए उससे एनर्जी कम आती है ना। आगे क्या बोला, देखो द एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ एंड द लाइट रेज एंड हीट। सोलार एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू मेक फूड। ऑल एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द फूड मेड बाय प्लांट। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत की पॉइंट बोला है। यहाँ पे क्या बोला उसने कि हमारे अर्थ के ऊपर जितनी भी एनर्जी है उसके जो रीज़न है वो एनर्जी आ रही कहाँ से है, वो एनर्जी सन से आ रही है। क्योंकि देखो स्टूडेंट, होता क्या है, सन से जो एनर्जी आ रही है तो प्लांट्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो फूड रेडी करते हैं और उसी फूड को यूज़ करके फिर प्लांट ग्रो होते हैं। फिर उन्हीं प्लांट्स को हम भी यूज़ करते हैं, एनिमल भी यूज़ करते हैं। मतलब ऐसा हो रहा है कि जो प्लांट है जिसके ऊपर एनिमल डिपेंड है वो ह्यूमन बीइंग भी है, दूसरा एनिमल भी है। जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, तो प्लांट्स अपनी एनर्जी कहाँ से रेडी कर रहे हैं, सन से, सन रेस से। इसका मतलब ये हुआ कि एक एनर्जी जो है वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। किसके फॉर्म में आ रही है, लाइट के फॉर्म में आ रही है ना। इसलिए कहा जाता है कि सन से आने वाली लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है, और सिंपली लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो स्टूडेंट आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके।